नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो एमपी हाई कोर्ट द्वारा स्टेनोग्राफर 2 और 3 और बात की जाए असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इन सब में क्या कैसा कट ऑफ गया था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर जो है फाइनल लिस्ट है, सेलेक्टेड लिस्ट है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का जो गया है वो 95.50 गया है। वहीं हम पीएच की बात करें तो 86.50 गया है। तो ये इसमें मेल फीमेल नहीं है, दोनों का ही जो है बराबर देखने को मिला है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं तो ये उनके नाम हैं। वहीं हम बात करें आगे जो देखते हैं अलग कैटेगरी के, जैसे कि बात की जाए यहाँ पर, ये तो वेटिंग लिस्ट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी की ये वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी का जो है वो 93.50 गया है। ओके, आगे हम देखें तो ओबीसी कैटेगरी के ये वेटिंग लिस्ट है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन की है, तो इतना जो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर जो है काउंट किया जाएगा आपकी लिस्ट बनाने के लिए। आगे हम बात करें तो एससी कैटेगरी का जो है 93 गया है यहाँ पर, जो कि 93 वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ 93 में है तो उनकी लिस्ट है यहाँ पर। और ये जो है आप देख सकते हो एससी कैटेगरी की जो है वेटिंग लिस्ट है, इनकी 85 जो है डेट ऑफ बर्थ है, 85 सन ईयर, और इनका कट ऑफ जो है यहाँ पर 90 जो है इंक्लूड किया गया है, पर ये अभी वेटिंग में थे उस समय। आगे बात की जाए तो यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट ऑफ एसटी कैटेगरी के है जो 58 गया है, 59 गया है सॉरी, तो ये 1988 वाले जो हैं, और इसमें आप देख सकते हो 29 पोस्ट थी और 4 फीमेल कैटेगरी की थी, तो ये जो है वो एसटी कैटेगरी का है। अब ये वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट का कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनका 95+ देखने को मिला है हमें यहाँ पर कट ऑफ। और वहीं हम बात करें ओबीसी का भी लगभग दो एक दो नंबर कम है, तो कोई फर्क नहीं है, तो 95 इनका भी कट ऑफ हमें देखने को मिला है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा अंतर नहीं आता है, असिस्टेंट ग्रेड 2 हो गया, 3 हो गया, स्टेनोग्राफर 2, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो इनमें ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसी के आसपास आप सोच सकते हो कि इतना आपको जो है नंबर लाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का है, और ये जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आप कट ऑफ देखोगे जिनकी 1992 जो है डेट ऑफ बर्थ है उनका जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी में 75.050 गया है। वही फीमेल की बात करूं तो 73 गया है, और जो पीएच वाले हैं तो उनका जो है 63 गया है, तो ये जनरल कैटेगरी का है। आगे हम देखें बाकी कैटेगरी के, जैसे कि आगे जो ओबीसी कैटेगरी का है, तो यहाँ पर ये सभी जो हैं आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें ओबीसी कैटेगरी भी है, तो इनका जो है आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आगे चल के, नहीं ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो है फाइनल लिस्ट, फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट जो है ओबीसी कैटेगरी की, तो इनका जो कट ऑफ गया है वो 54.50 गया है ओबीसी में। और वहीं हम बात करें जो कि फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये 48 गया है, और वहीं पीएच की बात करें तो 45 गया है, तो ये आप देख सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ इतने में है उनका इतना कट ऑफ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें आप देख सकते हो एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का आप देखोगे यहाँ पर 50.50 और फीमेल में 48, और जो पीएच वाले हैं उनके लिए 46। आगे हम बात करें एससी का हो गया, एसटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे एसटी कैटेगरी में जिनका जो है 35 गया है, तो इसमें जो है बात की जाए तो सारी चीज़ें जो मेल फीमेल इनका बराबर ही गया है 35, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पर कि जनरल ओबीसी और एसटी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कितने मार्क्स जो है चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो प्री का जो एग्ज़ाम होना है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है, वो मेंस में आपका नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, तो क्वालिफाइंग वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें दिया है। और जो मेन जो लिस्ट तैयार होगी वो आपके बात की जाए जो सेकंड वाला पेपर होगा उसी पर जो है हमें
आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा नंबरों पर। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि कितने नंबर चाहिए। देखिए 100 जो है मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका मेंस का, तो इसमें से आपको जो है यहाँ पर जैसे कि जनरल कैटेगरी का आपको मैंने यहाँ पर बताया कि जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया यहाँ पर वो गया आपको देखने को मिलेगा 75। ठीक है, तो आपको अब ये मना के चल लो कि आपको जो है 80 के करीबन जो है नंबर लाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ओबीसी और बात की जाए जो जनरल कैटेगरी के, तो अब 2017 में हुआ था तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 50 के आसपास जो है 53 50, तो ये ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिला है। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही कट ऑफ देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भरेंगे और बहुत सारे लोगों ने जो है सीपीसीटी भी की है। पिछले 2017 की बात है तो 2017 में इतने लोग सीपीसीटी नहीं करते हैं, अब आपके पास हर एक के पास जो है सीपीसीटी देखने को मिल जाएगा और 7 साल भी बढ़ा दी गई है। तो जिन लोगों के कार्ड जो है अनवैलिड हो गए थे तो वो भी अब जो है वैलिड हो गए हैं क्योंकि 7 साल बढ़ा दी गई है। कुछ लोगों का पूछना है कि मैंने 2017 में एग्जाम दिया था सीपीसीटी का, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, आप अपना जो अकाउंट है सीपीसीटी का उसमें जाके नहीं दोबारा से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि 7 ईयर आपका जो कार्ड है वो वैलिड रहेगा। तो 2017 से मान के चलो आपकी 7 साल तक जो है वैलिड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना जो है कट ऑफ देखने को मिला है और इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है आपको। ओके, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।